Students, very good morning to all of you. So today's lecture is factors affecting SN2 reaction. कल मैं बताया था कुछ factors के बारे में, कैसे alkyl halide, कैसे मतलब कौन सा alkyl halide हम लेंगे so that SN2 reaction होगी. So आज और कुछ factors हम पढ़ेंगे. Okay? अच्छा. So first one में बताया था आपको nature of alkyl halide. Okay. वो alkyl halide के nature का ऊपर कैसे depend करेगा? How it will depend on the nature of the alkyl halide. Okay. So सबसे जो अच्छी reaction होगी इसके साथ RX means any methyl halide because there is no steric hindrance. Steric hindrance होने से SN2 reaction slow हो जाती है. Okay. So this is alkyl halide means methyl halide. इसका सबसे अच्छा रिएक्शन है. इसके बाद R CH2X, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. एंड इसके बाद R2CHX. ओके, सो ये जो है सबसे अच्छा रिएक्शन RX प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. सर ये क्या है? दिस इज मिथाइल हैलाइड. क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, सो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो उसमें रिएक्शन सबसे अच्छी होगी. ओके, ये हो गया था नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड. अभी सेकंड जो है मैं बताया था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. हाउ द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द लिविंग ग्रुप. ओके, लिविंग ग्रुप क्या है? जो हेलोजन एटम है. ओके, हेलोजन एटम जो है आयोडाइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है. ओके, सो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो है दैट इज आयोडाइड, ये सबसे अच्छा है. इसके बाद ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड लास्ट में आएगा फ्लोराइड. ओके, सो इफ आई टेक मिथाइल आयोडाइड, इसका रिएक्शन सबसे अच्छी होगी. इसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड, then methyl chloride and finally methyl chloride. क्यों है? क्योंकि iodide जो है its large size. Okay? And fluoride जो है this is the smallest size. Then what will happen if the size will increase? If the size will increase then the R halogen bond जो है that bond strength क्या होगा? Decrease हो जाएगा. Then if the bond strength will decrease, then easily wo bond break हो जाएगा. So bond break हो जाएगा, तो ये जो bond देखो, ये जो covalent bond, that bond will easily break because iodide is larger in size. Okay? बस ये जो है आपका nature of the living group. Okay? And third point जो है, क्या है? Nature of solvent. This is very important. Nature of solvent. Okay. देखो, for SN1 reaction we need polar protic solvent. For SN1 reaction हमको चाहिए था, for SN1 we need polar protic solvent. Okay. But in SN2 reaction, for SN2 reaction, we need polar aprotic solvent. But this is the difference. Polar aprotic solvent. Okay. For SN1, we need polar protic solvent. And for SN2, we need polar aprotic solvent. Why is this? Because you see, this SN2 reaction, the rate of the reaction that will depend on the concentration of the halide and nucleophile. Okay? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? This is a bimolecular reaction. Okay? Bimolecular क्यों है? क्योंकि the rate of the reaction that will depend both the concentration of the alkyl halide and concentration of the nucleophile. That's why this reaction is SN2 bimolecular. एंड ये जो न्यूक्लियोफाइल है,
न्यूक्लियोफाइल क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पेसिस. सपोज कोई न्यूक्लियोफाइल है एक्स माइनस, सपोज मे बी विल टेक न्यूक्लियोफाइल लाइक सपोज ओएच माइनस, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल. अच्छा, इफ यू टेक प्रोटिक सॉल्वेंट देन व्हाट विल हैपन? प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? इसको हिंडर्ड कर देगा. हिंडर्ड मीन्स क्या है? इसको चारों तरफ में उसको हिंडर कर देगा. हिंडर मीन्स क्या है? ये जो प्रोटॉन है, सो दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी सराउंडेड बाय दिस एच प्लस आयन्स. सो सराउंड हो जाएगा तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो इफेक्टिवनेस दैट विल डिक्रीज. ओके, बोल रहा हूँ और एक बार आपको अच्छे से देखो. सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी थर्ड पॉइंट में क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमको क्या चाहिए? पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट. व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट? मीन जो सॉल्वेंट है दैट इज पोलार बट उसमें प्रोटॉन नहीं है. मतलब वो सॉल्वेंट, दिस सॉल्वेंट कैन नॉट गिव एच प्लस आयन्स, ये एच प्लस आयन्स नहीं देगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एप्रोटिक सॉल्वेंट. इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? इसका एग्जांपल है जैसे DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन. ओके, और क्या है? ये सब एग्जांपल्स है. ओके, DMSO, DMF, एसीटोनाइट्राइल क्या है? CH3CN, इसको क्या बोलते हो? दिस इज एसीटोनाइट्राइल. ये क्या है? DMSO का स्ट्रक्चर क्या है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, S OO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड. ओके, दिस इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO. ओके, ये क्या है? ये एक पोलार सॉल्वेंट है बट अप्रोटिक सॉल्वेंट है. एसीटोन क्या है? एसीटोन इज CH3CO CH3. सो ये जो एसीटोन है दिस इज अ पोलार सॉल्वेंट बट अप्रोटिक है. अप्रोटिक मीन्स इट कैन नॉट गिव एच प्लस आयन्स. तो एच प्लस आयन जो नहीं दे पाएगा दैट इज कॉल्ड अप्रोटिक सॉल्वेंट. जैसे पोलार प्रोटिक क्या था? पोलार प्रोटिक था वाटर, था एल्कोहल, था कोई भी एसिड था जैसे कि एसिटिक एसिड. ये सब क्या था? दीज आर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, ये क्या था? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट अच्छे से H प्लस दे पाएगा. तो H प्लस देगा तो दैट इज प्रोटिक सॉल्वेंट. H प्लस नहीं दे पाएगा दैट इज अप्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, तो फॉर SN1 रिएक्शन वी नीड पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. दिस इज फॉर SN1 रिएक्शन. ओके, बट फॉर SN2 रिएक्शन वी नीड दिस पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट. व्हाई इज दिस? ये क्यों है? मतलब क्यों है? मतलब पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट हमको क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमारा SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन क्या है? सपोज मैं एक लिया एक मिथाइल हैलाइड CH3X, उसके साथ सपोज मैं एक न्यूक्लियोफाइल किया OH-. ओके, देन हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट CH3OH+X-. देखो बच्चों, जब सपोज हम इधर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे देन क्या होगा? ये जो OH- है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है, दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी सराउंडेड बाय एच प्लस आयन. सपोज मैं इसमें क्या करूंगा कि प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करूंगा. OH- है, प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स क्या है? जो एच प्लस देगा, H+ लाइक दिस. ये जो प्रोटोन है इसको चारों तरफ पे घेर लेगा. मीन्स क्या है? दिज OH- विल बी सराउंडेड बाय दिज H+ आयन्स. सो ये जितना इजिली अटैक कर सकता था,
अभी वो नहीं कर पाएगा, उसका रिएक्टिविटी जो है दैट रिएक्टिविटी विल बी लोअर, इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा इफ यू यूज पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन में बोल रहा था, रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड, कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो भाई ये न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छी होगी देन क्या होगा, ये रिएक्शन उतना अच्छा होगा। सो मीन्स बट इसमें क्या है, सपोज हमने पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे देन ये जो OH- माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है इसका रिएक्टिविटी लेस हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू द H+ प्लस आयन्स। सो इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट लेने से क्या होगा, उसमें H+ प्लस नहीं है, तो H+ प्लस नहीं है तो क्या है, फिर वो OH- माइनस को हिंडर नहीं कर पाएगा, हिंडर नहीं कर पाएगा। सो इसलिए फॉर SN2 रिएक्शन वी नीड पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट फिर यू कैन कॉल मी। ओके, सो ये है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी विल गो टू नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बच्चों, SN1 रिएक्शन का जो रेट था दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो इसलिए आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हो फॉर SN1 रिएक्शन, बिकॉज इन SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ओनली ये डिपेंड करेगा किसका ऊपर, ये डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ ऊपर डिपेंड करेगा, क्या रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, प्लीज रिमेंबर। ओके, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन में जो रेट था, रेट ऑफ द रिएक्शन दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन का ऊपर, क्योंकि रेट ओनली इट विल डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। अब जो स्टेप 1 जो आयोनाइजेशन स्टेप है दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, तो इसीलिए SN1 रिएक्शन में आप न्यूक्लियोफाइल का ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बट फॉर SN2 रिएक्शन व्हाट विल हैपन, फॉर SN2 द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट विल डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज दैट इज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, तो इसलिए ये दोनों का ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल मोर विल बी द रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। ओके, सो स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल मोर विल बी द रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन, बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है ना, CH3X प्लस इसके साथ हम OH- रिएक्शन करेंगे, ये स्लो स्टेप, एंड आपको पता है जो स्लो स्टेप है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आपको मिलेगा CH3OH प्लस X-। ओके, सो ये जो है इसका ऊपर डिपेंड करेगा एंड इसका ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है,
कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक है. ओके अच्छा, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, देखो जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि सपोज मेरा पास वाटर है H2O एंड मेरा पास SH2 है. ओके वाटर है OH2 एंड SH2, व्हिच वन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल? SH2 विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH2. क्यों? क्योंकि इफ यू, ये रिमेंबर करो कि इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, देन दी न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज. ओके मतलब आप जब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे देन व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि भाई जब लेफ्ट टू राइट में जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज. ओके सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इफ यू गो देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, वो इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा. सो भाई न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो कि अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है कोई इलेक्ट्रोफाइल को. ओके दैट इज न्यूक्लियोफाइल. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा मीन्स क्या है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है दैट विल डिक्रीज. ओके सो और नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस व्हाट इज मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. ओके और कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा कैसे न्यूक्लियोफाइल कैसे मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिक्रीज होगा, मतलब एक पीरियड में एंड एक ग्रुप में, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में. ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू.